नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स एजुकेशन बाय रुपेश पर। इस YouTube चैनल पर बिल्कुल फ्री निशुल्क क्लास कराई जा रही है छत्तीसगढ़ का, जिसमें आपका प्रयोगशाला परिचालक, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, पीएचडी प्री एग्जाम 2024 के लिए। अगर आप परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, तो अब देखिएगा हमारे क्लासेस यानी कि कल से प्रारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ के टॉपिक्स में वेटेज रहेगा आपका प्रयोगशाला परिचालक में 40 नंबर का, जिसमें आपका टोटल सामान्य विज्ञान के 60 नंबर के और छत्तीसगढ़ का आपका 40 नंबर, दोनों मिलाकर 100 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसी प्रकार भृत्य, चौकीदार, स्वीपर का टोटल छत्तीसगढ़ से आपका टोटल 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वेटेज किसका अधिक है? छत्तीसगढ़ का। तो हम छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास, मराठा शासन, सूबा शासन व्यवस्था से क्लास करेंगे। पार्ट वन में हमने देखा प्रत्यक्ष मराठा शासन, अप्रत्यक्ष मराठा शासन, जिसमें आपका बिंबाजी भोसले, चिमनाजी भोसले, वेकोंजी भोसले, पुरुषाजी भोसले, अप्पाजी भोसले, ये सभी 5 प्रमुख मराठा शासन है, जिसमें हम पहला टॉपिक हमने कल कवर किया था। और आज आपका सेकंड क्लास है, जिसमें आपका सूबा शासन व्यवस्था और जितने भी प्रश्न बनेंगे टोटल में आपको पूरा सीरीज बाई सीरीज क्लास ले रहा हूँ, है ना। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, है ना। कमेंट में बताइएगा कि यहाँ पर अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे बिंबा भोसले जी से, जिसमें आपका पूरा टोस्टा नंबर क्वेश्चन किया था कल की वीडियो में, वो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में डाल दिया हूँ अगर आपने नहीं देखा है तो, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है। तो आइए अच्छी क्लास स्टार्ट करते हैं। ये सभी हमने क्लासेस कल किए हैं और ये आपका टॉपिक रहेगा आज की छत्तीसगढ़ में मराठा शासन, जिसमें सूबा शासन व्यवस्था से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा 1758 से 1787 बिंबाजी भोसले से संबंधित छत्तीसगढ़ में, अगर हमको पूछा जाए एग्जाम में तो छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कौन है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक आपका बिंबाजी भोसले जी हैं, जो कि राजधानी रतनपुर, ठीक है। बिल्कुल आपको तैयारी करवा रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की वेटेज है जिसमें 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी एग्जाम हो, सीजीपीएससी हो, व्यापम हो, जैसे हॉस्टल वार्डन हो गया है, प्रयोगशाला परिचारक की क्लास तो चल ही रही है, कल से प्रारंभ किया गया छत्तीसगढ़ की टॉपिक, जिसमें डेली रात 7:30 बजे अपलोड किया जा रहा है रिकॉर्डेड में, है ना। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, अंतिम वीडियो देखेंगे, अगर नोट्स आप लोग बनाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, है ना। तो जितने भी अभी जो टॉपिक एग्जाम में आए हुए हैं विगत वर्षों का, सबसे पहले हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसके बाद आपको टेस्ट लिया जाएगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मराठा शासक, डेट आप देख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से बने रहिएगा, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं छत्तीसगढ़ में मराठा शासक। तो छत्तीसगढ़ में मराठा शासक आपका कौन है? बिंबाजी भोसले जी है, बिंबाजी भोसले, याद रखना बिंबाजी भोसले, ठीक है। बिंबाजी भोसले छत्तीसगढ़ में है ना, सबसे प्रथम मराठा शासक, याद रखना। जो जो टॉपिक आपको करा रहा हूं उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, प्रथम मराठा, ठीक है। एक मिनट ना, थोड़ा सा ये वाला, एक मिनट, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक है ना। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक आप देखेंगे यहाँ पर, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक है, ठीक है। पूरा आपको सीरीज बाय सीरीज कवर कराने वाला हूँ, 30 से 35 मिनट का वीडियो रहेगा। कितने मिनट? 30 से 35 मिनट का वीडियो है, तो पूरा देख के जाना, यहाँ से आपके एग्जाम क्वेश्चन बनेंगे। राजधानी आपका कौन सा है? तो राजधानी आपका हो जाएगा रतनपुर, राजधानी है ना। तो राजधानी आपको कौन सा है? रतनपुर। इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, पीडीएफ के साथ अगर वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रमुख पदाधिकारी है ना, तो देखिए मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, आप लोग को पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं, बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए प्रमुख पदाधिकारी है जिसमें नीलू पंत, जो प्रमुख पदाधिकारी कौन है? प्रमुख है ना, प्रमुख पदाधिकारी, पदाधिकारी, ठीक है। प्रमुख पदाधिकारी कौन है? नीलू पंत, ठीक है, नीलू पंत या नीलू पंडित, मान लीजिएगा नीलू
ये आपका हो गया नीलू पंडित। ठीक है, तो ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर कि 1770 ईस्वी में दलपत देव के शासनकाल के दौरान बस्तर क्षेत्र में आक्रमण किया, किंतु यह आक्रमण पूर्णतः सफल नहीं हो पाया। किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में? बिंबाजी भोसले के शासनकाल में, 1770 ईस्वी में दलपत देव के शासनकाल के दौरान, 1770 में। ठीक है, 1770 में किसके शासनकाल में? तो दलपत देव, याद रखना दलपत देव। ठीक है, दलपत देव के शासनकाल में, शासन काल में। ठीक है, दलपत देव के शासन काल में। अब यहां पर देखिए 1778 पोट पाट की संधि, ये भी आपके व्यापम में और पीएससी में पूछा गया है, तो याद रखना 1778 आपका आ जाएगा, पोट पाट की संधि, पोट पाट है ना, पोट पाट की संधि, इसको नोट कर लीजिएगा। जितने भी आपको टॉपिक नोट करा रहा हूं यहाँ पर, बिल्कुल सभी क्वेश्चन आपके व्यापम पीएससी में पूछा गया है, ये भी आपके व्यापम में पूछा गया है, जो जो टॉपिक आपको बता रहा हूँ ना, सभी आपके व्यापम और पीएससी में पूछा गया है। राम टेकरी मंदिर, राम मंदिर कहाँ है? तो राम टेकरी मंदिर, ठीक है, राम टेकरी मंदिर। इसके बाद आपको मैं कराने वाला हूँ वीर नारायण सिंह वाला, ठीक है, राम टेकरी मंदिर कहाँ है, कहाँ है जल्दी से बताइएगा। राम मंदिर रतनपुर में ना, राम मंदिर कहाँ है आपका? राम मंदिर रतनपुर में। ठीक है, दुधारी मठ मंदिर कहाँ है आपका? दुधारी मठ, दुधारी मठ मंदिर कहाँ है? दुधारी मठ मंदिर, दुधारी मठ मंदिर आपका हो जाएगा रायपुर। ठीक है, कहाँ है? रायपुर में। ठीक है, यहां तक अपना हो गया, नोट कर लिए क्या? चलिए अब देखेंगे इसके बाद हम बिंबाजी भोसले के बाद आपका, एक मिनट ना थोड़ा सा वेट करो, प्रशासन सुधार। तो बिंबाजी भोसले का जो प्रशासनिक सुधार है, इसको नोट करते चलेंगे, प्रशासनिक सुधार है ना, प्रशासनिक है ना आपका, प्रशासनिक सुधार देखेंगे। ठीक है, जो प्रशासनिक सुधार है, रायपुर एवं रतनपुर की प्रशासनिक एकीकरण किया गया था। ठीक है, जो प्रशासनिक सुधार है आपका, रायपुर और रतनपुर का एकीकरण, रायपुर व रतनपुर का, रायपुर और रतनपुर का क्या किया गया था? एकीकरण, एकीकरण किया गया था। यह आपके पटवारी के एग्जाम 2019 में पूछा गया है, पटवारी के एग्जाम 2019 में पूछा गया है। उसी प्रकार रतनपुर में न्यायालय की स्थापना की थी। ठीक है, रतनपुर में, रतनपुर में न्यायालय की स्थापना किया गया था, न्यायालय की स्थापना ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। बिंबाजी की मृत्यु के पश्चात बिंबाजी की कितनी रानियां थी? तो बिंबा जी की आप याद रखना, बिंबा जी का, बिंबा जी की, एक मिनट, बिंबा, बिंबा जी की तीन रानियां थी। कितनी रानियां थी? तीन रानियां थी। ठीक है, पहला आपका आ जाएगा, पहला आपका आ जाएगा उमाबाई। ठीक है, पहली पत्नी कौन है? उमाबाई। दूसरी पत्नी है आपका रमाबाई। ठीक है, तीसरी पत्नी है आनंदीबाई, जो क्या संभालते, बागडोर संभाली, राजसत्ता का बागडोर, आनंदीबाई जो है क्या, बागडोर संभाली थी। ठीक है, उमाबाई कौन है? सती हो गई थी। किसके साथ? बिंबा जी की मृत्यु के साथ उनके साथ सती हो गई, और बिंबा जी की मृत्यु के बाद ये कहाँ चली गई? रमाबाई वन वियोग चली गई, वन में चली गई, और ये आनंदीबाई है जो अपना बागडोर संभाली। ठीक है,
चलिए आप सुभाष आसन करते हैं, यहाँ से पूरे एग्जाम में पूछा गया है। तो सुभाष आसन व्यवस्था, इसके बाद हम देखेंगे विद्रोह, ठीक है, छत्तीसगढ़ में विद्रोह देखेंगे, इसके बाद सुभाष आसन व्यवस्था, इसके बाद आपका रहेगा वीर नारायण सिंह से, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट ना, थोड़ा सा रुक जाओ, 1 मिनट। चलिए अब देखेंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सुभाष आसन व्यवस्था की जो अवधि है, ठीक है, 1788 से, 1788 से आपका 1818, पूरा सीरीज बाय सीरीज कंप्लीट कराऊंगा प्लेलिस्ट के माध्यम से, जितने भी प्रश्न जितने भी टॉपिक बनते हैं कवर हो जाएगा। अगर आप नोट्स बनाते हैं, पीडीएफ पढ़ते हैं, अगर वीडियो देखते हैं साथ में, तो आपका क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। राजधानी कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ में सुभाष शासन व्यवस्था की जो राजधानी है, ठीक है। हम ये भी देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक कौन है, छत्तीसगढ़ के जो जितने भी अभी अधीक्षक बने हैं क्या क्या बने हैं, सब हम अभी क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। राजधानी आपका रतनपुर, रतनपुर, ठीक है। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, इतना मेरा सब क्लास लेते हैं। सूत्रधार कौन है, तो वैकुंजी भोसले जी, वैकुंजी भोसले जी, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं व्याकुंजी, इसको दो तरीके से लिखा जाता है, तो इस प्रकार लिखेंगे व्याकुंजी भोसले जी, ठीक है, ये इस प्रकार है, ठीक है। इसके महिपत राव दिनकर, ठीक है, चलिए देखते हैं महिपत राव दिनकर के शासन काल में कौन कौन क्या हुआ। तो महिपत राव दिनकर जो छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार है, कौन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार, छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार कौन है, प्रथम सूबेदार, सूबेदार है ना, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम सूबेदार कौन है, महिपत राव दिनकर है, जो आपके 2019 से लेकर 2021 तक ये प्रश्न को रिपीट किया गया है, ठीक है। तो महिपत राव दिनकर के बारे में देखेंगे छत्तीसगढ़ में, जिसमें 17 मई 1790 में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर का आगमन हुआ, 17 मई 1770 में, ठीक है, 17 मई 1770 में यूरोपीय यात्री का आगमन हुआ, यूरोपीय, यूरोपीय यात्री का आगमन हुआ, ठीक है, आगमन हुआ, किसका आगमन हुआ, महिपत राव दिनकर के शासन काल में 17 मई 1770 में यूरोपीय यात्री का आगमन हुआ, ठीक है, रायपुर में। अब देखेंगे बिट्ठल राव के बारे में, बिट्ठल राव कौन है, परगना पद्धति के सूत्रधार, परगना, ठीक है, परगना पद्धति का सूत्रधार, परगना पद्धति का सूत्रधार निर्माणकर्ता ये कौन है, आपका बिट्ठल राव दिनकर जी हैं, कौन है, बिट्ठल राव दिनकर जी हैं, इसको कवीरदार भी कहा जाता है। तो इनके शासनकाल में कौन कौन आए थे, क्या क्या हुआ है, चलिए देखते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए मैं आपको टॉपिक में करा रहा हूँ, जितने भी ये आपका टॉपिक है, आपका ये आपके पीएससी में और व्यापम के एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा गया है, कितने बार, 3 से 4 बार पूछा गया है ना। तो बिट्ठल राव दिनकर के बारे में देखेंगे, नोट करते चलिएगा। तो सर यहाँ पर देखिए बिट्ठल राव दिनकर है आपका, इनके शासन काल में है ना, किनके शासन काल में, इनके, इनके शासन काल में कौन कौन आए थे, इनके शासन काल में मिस्टर जेडी ब्लंट आए थे, कब आए थे ये मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन कौन आए थे, मिस्टर जेडी ब्लंट, जेटी ब्लंट, कौन आए थे, मिस्टर जेडी ब्लंट आए थे। तो चलिए देखते हैं मिस्टर जेडी ब्लंट कब कब आए थे, तो 31 मार्च 1795, 31 मार्च 1795 में रायपुर आए थे, कहाँ आए थे, रायपुर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपका 13 मई, ठीक है, 13 मई 1795 में रतनपुर आए, ठीक है, रतनपुर, 1 मिनट ना, यहाँ पर अच्छे से नहीं बना होगा, 1 मिनट, इसको लिख लेते हैं रतनपुर, ठीक है, इसको गलत कर देते हैं, 1 मिनट, इसको इस कर देते हैं, ठीक है।
देखिए इनके शासनकाल में, किसके शासनकाल में, तो विट्ठल राव दिनकर के शासनकाल में मिस्टर जे डी ब्लंट 31 मार्च 1795 को रायपुर आए। उसके बाद आपका 13 मई 1795 को रतनपुर की यात्रा की। किसकी यात्रा की? रतनपुर की यात्रा की, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद, एक मिनट, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ है क्या? ये वाला, ये देखो है ना, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। रतनपुर की परगना पद्धति के जन्मदाता एवं लागूकर्ता कौन है? प्रमुख कम विजदा, प्रमुख प्रमुख ना, थोड़ा सा प्रमुख आपका आ जाएगा, कम विजदा, कम विजदा, ठीक है, प्रमुख कम विजदार आपका हो जाएगा। चलिए भवानी कालू कौन है? तो भवानी कालू है सबसे कम समय अवधि के सूबेदार, सबसे कम समय के, सबसे कम समय है ना, सबसे कम समय का सूबेदार, सबसे कम समय के रहने वाले भवानी कालू, ठीक है। और सबसे अधिक, तो सबसे अधिक कौन है? केशव गोविंद, सबसे अधिक शासन करने वाला, अधिक शासन करने वाला कौन है? केशव गोविंद। सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया है? समय तक, ठीक है। तो सबसे ज्यादा अधिक समय तक शासन करने वाला है आपका केशव गोविंद। अब इन्हीं के शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक आया था। किसके शासनकाल में? इन्हीं के, है ना, इन्हीं के शासनकाल में, ठीक है, इन्हीं के शासन काल में, ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में यूरोपीय यात्री कोलब्रुक, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा गया है, यूरोपीय यात्री कोलब्रुक किसके शासनकाल में? केशव गोविंद के शासनकाल में आया था। यादव दिवाकर कौन है? तो छत्तीसगढ़ में अंतिम सूबेदार, अंतिम यादव दिवाकर जो है अंतिम सूबेदार है, ठीक है, अंतिम सूबेदार है यादव दिवाकर जो है छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार हैं, ठीक है। और 1818 तक छत्तीसगढ़ में है ना, 1800, ये आपका जाएगा 1818 तक छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपका पिंडारियों का अंत हो गया था, पिंडारियों, क्या हो गया था? अंत हो गया था, ठीक है, पिंडारियों का अंत हो गया था। चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक जिसमें आपको पूछा गया है, एक मिनट ना, जिसमें आपको पूछा गया है, चलिए जिसमें आपको पूछा गया, यहां से नोट करते चलेंगे, बिल्कुल। देखिए कैप्टन सैंडिस्ट वगैरह देखेंगे, एक मिनट ना, थोड़ा सा वेट करो, एक मिनट, थोड़ा सा वेट करना है ना। देख लेता हूँ ना, चलिए ब्रिटिश अधीक्षक देखेंगे, ठीक है, ब्रिटिश अधीक्षक, ब्रिटिश अधीक्षक,
छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन है? चलिए बताइएगा, छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन है? कैप्टन एडमंड, कैप्टन एडमंड। ठीक है, ये आपका 3 से 4 बार आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन है? कैप्टन एडमंड है। यहां से हम क्लास करेंगे जो कि 1818 में पहली बार छत्तीसगढ़, है ना, तो 1818 में छत्तीसगढ़ पहली बार जो है अंग्रेजी शासन के अधीन आया। अंग्रेजी, ठीक है, किसके शासन में? अंग्रेजी शासन का अधीन आया। ये तो पहले पॉइंट नोट कीजिएगा, है ना, 1818 में छत्तीसगढ़ जो है हमारा पहली बार अंग्रेजी शासन के अधीन आ गया, और 1817 में सीतावाड़ी का युद्ध हुआ। 1817 में सीतावाड़ी का युद्ध हुआ। यहां तक आप लोग तो नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे, सीतावाड़ी का युद्ध हुआ, इसके बाद जो है कैप्टन पी वांस एगन्यू, ये देखेंगे। लेकिन इससे पहले कौन आया था? कैप्टन एडमंड, 1818 ईस्वी में कौन आया था? कैप्टन कैप्टन एडमंड, ठीक है, कौन आया था? कैप्टन एडमंड आया था, ठीक है, कौन आया था? कैप्टन एडमंड। एक मिनट ना, क्या हो रहा है यार, कुछ क्लिक क्लिक तो नहीं हो गया है? चलिए, ये आएगा कैप्टन एडमंड। ये आपका जाएगा कैप्टन एडमंड, ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन है? कैप्टन एडमंड है। छत्तीसगढ़ का जो राजधानी है, छत्तीसगढ़ का राजधानी है छत्तीसगढ़ का राजधानी छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है आपका रतनपुर, ठीक है, कौन है? रतनपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर है, डोंगरगढ़ का 1818 में, है ना, 1818 में डोंगरगढ़ का विद्रोह हुआ था। किसका विद्रोह हुआ था? 1818 में आपका डोंगरगढ़, ठीक है, डोंगरगढ़ का विद्रोह हुआ था। किसका विद्रोह हुआ था? 1818 में डोंगरगढ़ का विद्रोह हुआ था, ठीक है। यहां तक आपने नोट किया, यहां तक से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। इसके बाद आपका है कैप्टन पी वांस एगन्यू, 1818 से 1825, ठीक है, कैप्टन पी वांस एगन्यू 1818 से 1825 तक, कैप्टन कैप्टन पी वांस एगन्यू कौन है? कैप्टन पी वांस एगन्यू, कैप्टन पी वांस एगन्यू है। यहां तक हुआ। इसके बाद देखेंगे जो कि राजधानी कौन सा, इसका राजधानी एग्जाम में पूछता है ना, राजधानी आ जाएगा आपका रायपुर। रतनपुर से रायपुर किसने लाया? रतनपुर से रायपुर किसने ट्रांसफर किया? तो 1818 से 1825 में कैप्टन पी वांस एगन्यू के द्वारा स्थापित किया गया, यानी कि रतनपुर से आपका रायपुर स्थानांतरित किया किस सन में? 1825 में, ठीक है, कैप्टन पी वांस एगन्यू जो कि आपका आ जाएगा रतनपुर, मतलब राजधानी से रायपुर लाए, रतनपुर की राजधानी से रायपुर ला लिया गया। ये आपको कौन सा आएगा? 1818 से 1825 में कैप्टन पी वांस एगन्यू। उसी प्रकार आपका आएगा ये 1818 कैप्टन एडमंड, ये आपके एग्जाम में पूछा गया। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ से जो है आपका, एक मिनट ना, विद्रोह वगैरह वाला देखेंगे जो कि डिप्टी कमिश्नर है। कौन है? डिप्टी कमिश्नर, एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लो ना। चलिए, कैप्टन सैंडिस, जो कैप्टन सैंडिस है आपका,
ठीक है, कैप्टन सेंडिस 1825, कैप्टन सेंडिस, ठीक है, कैप्टन सेंडिस है जो 1825 में आएगा। और ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत किसने की है? ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत, किसने की है? ताहूतदारी प्रथा की शुरुआत किसने की है? कैप्टन सैंडिस, है ना। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपका रहेगा डाक व्यवस्था, डाक व्यवस्था की शुरुआत, है ना। दूसरा पॉइंट है आपका डाक व्यवस्था की शुरुआत किया, जिसमें जमींदारियों के बीच विवाद का समझौता भी खत्म हो गया। तो लोरमी का जो है 1826 में है, यह भी याद रखना, 1826 आपका जाएगा लोरमी, ठीक है। और कैप्टन विल्सन जो है आपका आ जाएगा 1828, कैप्टन विल्सन, अट्ठाईस में। ये आप टॉपिक अच्छे से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो है कैप्टन क्रॉफर्ड, जो कि छत्तीसगढ़ ब्रिटिश अधीक्षक, छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक, छत्तीसगढ़ का अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक, कौन है? तो कैप्टन क्रॉफर्ड, कैप्टन कौन है? क्रॉफर्ड, है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन क्रॉफर्ड, और छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक, कौन है? छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन है? कैप्टन एडमंड, कौन है? एडमंड, ठीक है, यहां तक हो गया। और डिप्टी कमिश्नर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर, छत्तीसगढ़ का प्रथम डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, यहां पर देखें, एक मिनट ना, छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन है? चार्ल्स सी इलियट, कौन है? यहां पर नोट कीजिएगा, चार्ल्स सी इलियट, ठीक है, कौन है? चार्ल्स सी इलियट, छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर, जो कि 1862 में मध्य प्रांत का गठन हुआ, ठीक है। क्या हुआ? 1862 में मध्य प्रांत का गठन हुआ, क्या हुआ? मध्य प्रांत का गठन हुआ 1862 में, ठीक है। 1862 ईस्वी में मध्य प्रांत को एक संभाग बनाया गया। 1861, एक बार याद रखिएगा, 1861 में आपका क्या किया गया? गठन, उसको प्रांत बनाया गया। जबकि आपका 1862 में संभाग बनाया गया, ठीक है, 1862 में संभाग बनाया गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंतिम डिप्टी कमिश्नर कौन है? तो छत्तीसगढ़ का अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक, कौन है? अप्पा राव,
कौन है? अप्पा राव, अप्पा राव, ये आपका आएगा अप्पा राव। ठीक है, छत्तीसगढ़ का अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक अप्पा राव है। जबकि देखिए छत्तीसगढ़ में जिलेदार, तो जिलेदार अगर पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ का प्रथम, छत्तीसगढ़ का प्रथम कौन पूछा जाएगा? जिलेदार, छत्तीसगढ़ का प्रथम जिलेदार कौन है? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम जिलेदार आपका आ जाएगा कृष्ण राव अप्पा, कृष्ण राव अप्पा है ना। और अंतिम जिलेदार, अगर अंतिम जिलेदार पूछा जाए तो ये वाला आएगा अंतिम जिलेदार, गोपाल राव अप्पा। कौन है? गोपाल, ठीक है, गोपाल राव अप्पा जी। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा है ना। तो विद्रोह वाला कल हम देखेंगे, विद्रोह से जितने भी क्वेश्चन बढ़ रहे हैं हम कल देखेंगे, ठीक है। सैन्य विद्रोह देखे थे क्या? 22 जनवरी 1858 वाला, हनुमान सिंह। सैन्य विद्रोह का नेतृत्व करता, सैन्य नेतृत्व करता, नेतृत्व करता, सैन्य विद्रोह का नेतृत्व करता कौन है? हनुमान सिंह है ना। तो यहां से कल के टॉपिक में करेंगे पार्ट 3 वीडियो, ठीक है। तो हमारा पार्ट 2 वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये हमने देखा जिसमें आपका नोट्स रहेगा, PDF आपको मिल जाएगा जितने भी यहाँ से पूछे गए हैं। हमने देखा बिंबाजी भोसले वाला पार्ट 1, पार्ट 2 जिसमें आपका पूरा थ्योरी था, आप JET 2 आपको टेस्ट के रूप में मिल जाएगा। हमने देखा शासन काल, ये आपका तीनों देखा हमने, उमाबाई, रमाबाई, आनंदीबाई वाला। ये आपका प्रमुख पदाधिकारी है सेनापंत नीलूपंत, जो कि 1770 ईस्वी में ये जो विद्रोह हुआ था, जो आक्रमण हुआ था वो असफल हो गया था, असफल हो गया था, ठीक है। क्या हो गया था? असफल हो गया था। और छत्तीसगढ़ में जो परगना पद्धति के जो सूत्रधार है आपका बिंबाजी भोसले, जबकि निर्माण किसने किया था? पिट्ठा राव दिनकर। और यूपी यात्री कोल ब्रू किसके शासन में आया था? ये आपका आ जाएगा केशव गोविंद, केशव गोविंद। इसका PDF आपको मिल जाएगा। कुछ कुछ इसमें नहीं दिया गया है ना, जो 27 परगना हुआ था उसको 8 परगनों में विभक्त किया गया था, 8 परगनों में, जबकि कुछ दिन बाद इसको 9 परगनों में विभाजित किया गया था, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ? और हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ऐसे और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल के क्लास में आप लोग इंतजार करते रहिएगा।